छतरपुर के जहां जिले के 3 जनपद पंचायतों में वोटिंग के बाद धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं। छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ा मलहरा से कई जगहों के नतीजे सामने आए हैं। छाई कुआं ग्राम पंचायत से बद्री प्रसाद मिश्रा, डिकोली से मेघा, ओम अग्निहोत्री डूंगरपुर ग्राम पंचायत से रतिराम शर्मा ने जीत हासिल की है। इसके अलावा सूरजपुरा कला से मंटू आदिवासी भी संभावित विजेता हैं। ग्वालियर जनपद पंचायत की बात करें तो यहां से धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। बरहा ग्राम पंचायत से राजकुमार कुशवाहा, सिचहरी से अखिलेश तिवारी ने जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत बकसवाहा में मतगणना जारी है, अभी वहां कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। दूसरे चरण में मतदान खत्म होने के बाद कई जगहों पर मतगणना शुरू हुई है। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा जनपद के डोंगरपुरा पंचायत में चुनाव के बाद माहौल बिगड़ गया था। जहां दूसरे चरण का मतदान हुआ है, यहां के दो प्रत्याशी मुकेश शर्मा, आनंद शर्मा ने मतगणना कराने से इनकार कर दिया और विवाद की स्थिति बन गई थी। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। अब सेक्टर प्रभारी राजीव पाठक और पुलिस SI अमिता अग्निहोत्री की मौजूदगी में गिनती हो रही है। बारिश के बाद कई मतगणना केंद्र पर बारिश का असर देखने को मिला है। जनपद बड़ा मलहरा के ग्राम पंचायत बोंकना मतगणना स्थल पर बारिश का पानी भर गया है। मौके पर पहुंचे सेक्टर ऑफिसर राजीव पाठक ने मामला शांत कराने की कोशिश की है। यहां सरपंच पद के 4 प्रत्याशी हैं। इस पंचायत के कुल 3 ग्राम हैं। कुल मतदाता घुरावली में 344 और डोंगरपुरा में 447 हैं, जबकि बंधावर में 452 वोटर हैं। छतरपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन में द्वितीय चरण में बकसवाहा, बड़ा मलहरा और ग्वालियर जनपदों के 617 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ था। हालांकि 3 बजे के बाद भी कैंपस में आ चुके मतदाताओं के वोट डालने का सिलसिला जारी है। वहीं शाम 5 बजे से मतदान केंद्र पर ही सरपंच पद के उम्मीदवारों की मतगणना होगी। जिला व जनपद सदस्यों की मतगणना ब्लॉक स्तर पर की जा रही है।